तो फसलों को सुधारने का सबसे प्राचीन तरीका और सरल तरीका होता है सिलेक्शन, जिसे आप बोलते हैं बरण। ठीक है, तो तीन तरह से आप फिनोटाइपिकली करेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तीन तरह से, एक होता है प्योरलाइन सिलेक्शन, सेकेंड होता है आपका मास सिलेक्शन, थर्ड होता है क्लोनल सिलेक्शन। प्योरलाइन सिलेक्शन जिसे आप शुद्ध वंश क्रम वर्ण बोलते हैं, ये प्योर जो किस्में होती हैं, यानी बोल सकते हैं अपने स्वयं परागत संयुग्मजी किस्में, सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस जो स्पीसीज होती हैं उन फसलों के लिए यूज किया जाता है, स्वयं परागत फसलों में यूज किया जाता है। तो स्वयं परागण से जो किस्में मिलती हैं उसमें कोई भी नया लक्षण नहीं आता, इसलिए वो कैसी होती हैं, शुद्ध होती हैं। शुद्ध वंशक्रम उसमें कोई भी मिक्स लक्षण नहीं आएगा, उसे आप बाह्य लक्षणों के आधार पे, फिनोटाइपिक लक्षणों के आधार पे अच्छी किस्म वाले प्लांट को चूज कर लेते हैं और उनके बीजों को अलग अलग जगह पे बोते हैं। जब तक ये सारी प्रक्रिया वापस से रिपीट करते रहते हैं, जब तक आपको एक अच्छा उत्तम लक्षणों युक्त पीढ़ी प्राप्त नहीं हो जाती है। दूसरा होता है मास सिलेक्शन, वो भी बेसिकली दोनों फसलों के लिए यूज कर सकते हैं। आपकी बार सेल्फ पॉलिनेटेड एस वेल एस क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे स्वयं परागित फसलों के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें क्या करेंगे आप, उत्तम लक्षणों को फिनोटाइपिकली लक्षणों के आधार पर छांट लेंगे, जो कि उत्तम लक्षण रखते हैं प्लांटों को आप आर्टिफिशियली छांट लेंगे उन्हें, और उनकी बीजों को आप मिक्स करके कहीं पे बो देते हैं। बोने के बाद में नेचुरली उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जिससे उनमें नए लक्षण आएंगे। तो यहाँ पे आपको टाइम तो लगेगा, यहाँ पे भी 8 से 10 साल तक आपको एक उत्तम लक्षणों युक्त पीढ़ी प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पे आपने नेचुरली कुछ नए लक्षणों को क्रिएट करवा दिया है। किसके द्वारा, क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा, जबकि पिछले वाले में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा था, वहाँ पे प्योरली शुद्ध वंशक्रम चल रहा था सेल्फ पॉलिनेशन से। थर्ड होता है क्लोनल सिलेक्शन, ये केवल उन स्पीसीज में होता है, उन प्लांट्स में होता है जो कि सोमेटिक प्रोपोगेशन कर सकते हैं, कायिक परिवर्तन कर सकते हैं। उनमें कायिक परिवर्तन से जो प्राप्त होते हैं प्लांट, वो कैसे होते हैं, सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं क्लोन। ठीक है, तो ये केवल क्लोन करने जो पैदा करते हैं क्लोन पादप, उनमें ही ये यूज किया जा सकता है क्लोन सेलेक्शन। इससे कोई भी आपको नया लक्षण प्राप्त नहीं होता है, उसे क्लोन सेलेक्शन कह देंगे। तो तीनों टाइप का वर्ण हो जाता है, और ये आपका फसलों को सुधारने का सबसे प्राचीन तरीका है, सबसे सरल तरीका है। आई होप गाइस आपको सिलेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे प्योर लाइन सिलेक्शन वो कैसा होता है, संयुग्मजी स्वयं परागित फसलों के लिए। मास सिलेक्शन दोनों के लिए होता है, स्वयं परागित पर परागित के लिए, उसमें केवल मिक्स कर दिया जाएगा और प्राकृतिक रूप से पर परागण होने दिया जाएगा। थर्ड होता है क्लोनल सिलेक्शन, वो केवल प्राकृत जो कायिक प्रवर्धन करने वाले प्लांट होते हैं, क्लोन प्लांट, उनमें ही यूज किया जाएगा। ओके, थैंक्स। इफ यू एनी प्रॉब्लम कमेंट।